बच्चों अब हम पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स डेट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ठीक है अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करेंगे स्ट्रक्चर्स विद फॉर्म असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ठीक है तो बच्चों हमने अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा है ना उसमें हमने वेरियस टाइप देखे थे बाइनरी फ्यूजन देन मल्टीपल फ्यूजन देन बडिंग है ना कुछ ए सेक्शुअल स्ट्रक्चर भी देखे थे अब बच्चों हम बात करेंगे प्लांट्स की ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी प्लांट्स की अब प्लांट्स में जो अशेक्श रिप्रोडक्शन होता है उसे अशेक्श रिप्रोडक्शन नहीं बोल के हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है क्या बोलते हैं हम उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो व्हाट इज वेजिटे प्रोबोगेशन मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व ना करते हुए रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टेमिन राइट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व ना करते हुए जो वेजिटेटिव पार्ट है दैट इज लीफ दैट इज स्टेम दैट इज रूट उनके थ्रू उनके थ्रू नया प्लांट लादा इज नोन एज टिव प्रोपोगेशन ठीक है बच्चों अब जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहते हैं इन दिस प्रोसेस मतलब इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो स्ट्रक्चर इनवॉल्व रहते हैं उसे हम बोलते हैं किसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व रहते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज नोन एज जिटेटिव प्रलियर ओके तो इसमें बेटा कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहां पर तो हम वो डायग्राम के साथ समझते तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा पहला एग्जाम्पल है ट्यूबर इन पोटैटो पोटैटो यू नो सोल टू ब्रोसम दिख रहा है दिस इज पोटैटो है ना ये पोटैटो है तो बेटा पोटैटो में जो ट्यूबर है है ना तो बेसिकली ये जो आइज है तो दिस इज ट्यूब है ना अब ये गिरेगा सॉइल में जमेट होगा नया आलू आ जाएगा लाइक दैट ओके देन दिस इज जिंजर तो जिंजर में जो बिजली प्रोपेगेशन होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं राइजोम दैट इज नोन एज राइजोम ठीक है देन सी दिस इज अगेव, अगेव में, इट इज नोन एज देन, ब्रायोफाइलम। लीफ आपने देखी होगी बेटा ब्रायोफाइलम इसमें क्या होता है ये एडवेंटेटियस बर्ड्स जो है वो इसकी मार्जिन में देखो डेवलप हो जाते हैं जो ब्रायोफाइलम लीफ है उसकी मार्जिन में आप देखिए एडवेंटेटियस बर्ड डेवलप हो जाते हैं अब जैसे ये एडवेंटेटियस बर्ड जमीन में गिरेंगे नया जो प्लांट है वो उग जाएगा तो ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेल प्रपग स्ट्रक्चर है वो क्या है लीव बर्ड्स लास्ट है आपका ऑफसेट किसे मिलता है हमें वाटर हाइसन में मिलता है एंड वाटर हाइसन इज नोन एज बेटर वॉट टेरर ऑफ बेंगाल है ना टेरर ऑफ बेंगाल एक वीड है जो स्प्रेड होता ही रहता है तो इसमें क्या मिलता है हमें ऑफसेट